नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करेला बनाएंगे, लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। तो पोस्तो, जिसको खसखस भी कहते हैं, तो उससे हम करेले को स्टफ़ करके बनाएंगे, तो बिल्कुल कड़वा नहीं बनेगा और पोस्तो से बहुत ही टेस्टी बनेगा, थोड़ा क्रीमी और खोया जैसा फ्लेवर आएगा। तो आइए इस प्याज पोस्तो और करेले की रेसिपी को बनाते हैं। तो इसके लिए देखिए, मैंने ये 3 चम्मच पोस्तो दाना लिया है, जिसको 1-2 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो दिया था और मिक्सी में पीस कर देखिए इस तरह का पेस्ट बना लिया है। और ये मैंने 1 पाव करेले लिए हैं, छोटे करेले हैं, इनको इस तरह से आप खाली कर लीजिए, धोकर साफ कर कच्चे बीज है वो रख लीजिए, जो पके हुए हैं वो निकाल दीजिए। और इन्हें हम 1 से 1.5 घंटे के लिए बहुत सारा नमक लगा के रखेंगे, फिर उन्हें धोकर हम यूज़ लेंगे। और इसके लिए मैंने 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। मसालों में देखिए, ये हल्दी है, धनिया, मिर्च, अमचूर पाउडर और जीरा, ये सब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें आप, और थोड़ा सा हींग लेंगे हम। तो आइए बनाते हैं हम इसे। तो एक कढ़ाई में देखिए, मैंने सरसों का तेल लिया है, इसमें हम हींग डालेंगे और जीरा डालेंगे। जीरा तड़कने पर इसमें हम प्याज डाल देंगे। प्याज को सिर्फ 1 मिनट के लिए पका करके सारे मसाले डाल देंगे हम। नमक हम कम ही डालेंगे, क्योंकि करेले में भी बहुत सारा नमक होगा। और हल्दी, धनिया और लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे और इसे 1 मिनट के लिए कुक करेंगे। अब हम पोस्तो का जो पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे इसमें। और इसे हम लो फ्लेम पर ही कुक करेंगे, क्योंकि फिर नीचे चिपकने लग जाएगा। और हाफ कुक होने पर इसमें अमचूर पाउडर डाल देंगे और इसे फिर से हम थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे। 5 मिनट के बाद इसे हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो देखिए, ठंडा हो गया है। ये करेले के जो बीज निकाले थे, ये भी हमने नमक में सोक किए थे, तो इनको हमने धो के निचोड़ लिया है। और ये करेले भी देखिए सॉफ्ट हो गए हैं, इन्हें हमने अच्छे से पानी से निकाल लिया है। तो अब हम करेले को भरेंगे। देखिए, इस तरह टूथपिक लेंगे, तो टूथपिक से हम इसको जॉइंट कर देंगे, धागा बांधने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो करेले को हम बहुत अच्छे से मसाला उसमें स्टफ करेंगे। और देखिए, इस तरह से हम इसमें टूथपिक लगा देंगे। आप धागे से भी बांध सकते हैं, या आप खुला रखना चाहे तो खुला भी रख सकते हैं, पर ऐसे अच्छे दिखेंगे अगर बंद बनेंगे तो। और इसी तरह से देखिए, हम सारे करेले भर लेंगे। तो मसाला इसमें हमारा पूरा नहीं लगेगा, तो इसे हम बाद में करेले के ऊपर से डालेंगे। तो आइए इसको नेक्स्ट स्टेप करते हैं। हम कढ़ाई में अब फिर से थोड़ा सा तेल लेंगे। और जो हमने करेले के बीज रखे थे, सबसे पहले उन्हें हम फ्राई करेंगे। अब इसे हम करेले डाल देंगे और इसे बहुत ज़्यादा मिलाएंगे नहीं, इसे हम बारी बारी से पलट कर दोनों तरफ से कुक कर लेंगे। तो देखिए, एक तरफ से कुक हो गए हैं हाफ, तो हम दूसरी तरफ से पलट लेंगे। और अब इसमें हम ये मसाला डाल देंगे, जो प्याज और पोस्तों का मसाला बचा था। अब इसे हम ढककर फिर से नीचे की साइड से कुक करेंगे। और अब इसे हम पूरी तरह से मिला लेंगे, तो मसाला और सब कुछ मिल जाए। और हम चाकू से इस तरह से चेक कर लेंगे क्या कुक हो गए हैं। तो ये देखिए, बहुत अच्छे से सिर्फ 5 से 7 मिनट में कुक हो गए हैं। तो ये देखिए, पोस्तो करेला की सब्जी बनाई है, बिल्कुल कड़वी नहीं है। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।